राहुल पदयात्रा में व्यस्त, कांग्रेस नेता पार्टी छोड़ने में मस्त। कांग्रेस नेताओं के लिए भरोसेमंद क्यों बनी बीजेपी? ये सवाल इसलिए क्योंकि एक के बाद एक कांग्रेस का विकेट गिरता जा रहा है और इस वक्त हर दूसरा कांग्रेसी नेता बीजेपी का दामन थाम रहा है। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहे हैं कि कांग्रेस आखिर कहां चूक रही है और क्यों बीजेपी की चौखट पर कांग्रेस नेताओं की लाइन लगी हुई है, जिसका जवाब आज हम आपको देंगे। नमस्कार, मैं हूं गायत्री और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। कांग्रेस के लिए इस वक्त लगातार बुरी खबर सामने आ रही है। हाल ही में मध्य प्रदेश से भी खबर सामने आई, जब पता चला कि केंद्रीय मंत्री रहे वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुरेश पचौरी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। चुनाव से पहले बीजेपी ने मध्य प्रदेश में एक ब्राह्मण चेहरा झटक लिया, उनके साथ पूर्व विधायक संजय शुक्ला भी पार्टी से निकल गए। दरअसल कांग्रेस में मची भगदड़ की यह अंतिम कड़ी नहीं थी। देश के अन्य राज्यों में भी ऐसे ही कांग्रेस नेताओं की लंबी लिस्ट है जो पार्टी छोड़कर जाने वाले हैं। हर दूसरे दिन कांग्रेस का बड़ा नेता बीजेपी की सदस्यता ले रहा है। इन नेताओं में विधायक, पूर्व सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री भी शामिल है। हाल ही में हुए राज्यसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण और यूपी के बड़े नेता आरपीएन सिंह भी कांग्रेस को बाय बोलकर कमल खेमे के सदस्य बन गए। बीजेपी ने इन दोनों नेताओं को राज्यसभा में भेज दिया है। फिलहाल कांग्रेस पार्टी में यह भगदड़ उस समय मची है जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। पार्टी का नेतृत्व भी गांधी परिवार के पास नहीं है, बल्कि दलित नेता मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस की कमान संभाल रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेतृत्व नेताओं को एकजुट क्यों नहीं कर पा रही है? क्योंकि कभी कांग्रेस नेताओं के लिए अछूत रही बीजेपी में पूर्व कांग्रेसियों की लंबी टीम है। उत्तर से दक्षिण तक अभी रोज किसी न किसी राज्य से कांग्रेस के नेता के बीजेपी में शामिल होने की खबर आती रहती है। दरअसल ये सिलसिला 2019 के बाद शुरू हो गया था। चार राज्यों के विधानसभा चुनाव में हार और लोकसभा चुनाव की आहट ने कांग्रेस नेताओं को सकते में डाल दिया। दूसरी ओर बीजेपी ने कांग्रेस नेताओं के लिए अपने द्वार खोल दिए। चुनाव से पहले मनोवैज्ञानिक बढ़त लेने का ये पुराना तरीका रहा है। खैर, गुड़ के पास मधुमक्खी की कहावत तो पुरानी है, मगर कांग्रेस का संकट गहराने लगा है अशोक चव्हाण और आरपीएन सिंह जैसे बड़े नेताओं के पार्टी छोड़ने पर। मध्य प्रदेश में कमलनाथ कमल के साथ आते आते ठिठक गए, फिर गुजरात में नेता प्रतिपक्ष रहे अर्जुन मोडवाड़िया और नारन राठवा ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया। गुजरात में तो कांग्रेस के चार विधायकों ने भी पाला बदल लिया और बीजेपी में शामिल होने के लिए इस्तीफा तक दे दिया। बिहार के तीन कांग्रेस विधायक भी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। दक्षिण भारतीय राज्य केरल में करुणाकरन की बेटी पद्मजा वेणुगोपाल और आंध्र में पूर्व मुख्यमंत्री किरण कुमार रेड्डी भी बीजेपी मेंबर बन चुकी है। यूपी में वाराणसी के पूर्व सांसद राजेश मिश्रा ने भी बीजेपी की सदस्यता ले ली है। दरअसल नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने बीजेपी की कमान संभालने के बाद चुनावी रणनीति ही बदल डाली है। अब बीजेपी चुनाव लड़ने के लिए नहीं बल्कि जीतने के लिए मैदान में उतर रही है। पार्टी के रणनीतिकार डेटा एनालिसिस में माहिर हो चुके हैं। कांग्रेस से आए नेताओं ने बीजेपी की नीतियों के प्रति समर्पण दिखाया तो मोदी शाह उसे बड़े इनाम देने से नहीं चूकते। देश के पांच राज्यों में कांग्रेस से आए नेता बीजेपी के मुख्यमंत्री के तौर पर गिने जाते हैं, जैसे कि असम के सीएम हिमंता बिस्व शर्मा, मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, अरुणाचल के सीएम पेमा खांडू, नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो, त्रिपुरा के सीएम डॉक्टर माणिक साहा कांग्रेस ही रह चुके हैं। मध्य प्रदेश में सरकार बनवाने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया मोदी सरकार में नागरिक उड्डयन मंत्रालय जैसे ताकतवर विभाग के मंत्री बन गए हैं। जतिन प्रसाद को भी यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। पंजाब में बीजेपी ने कांग्रेस से आए सुनील जाखड़ को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दे दी है। जगदम्बिका पाल, रीता बहुगुणा जोशी और उत्तराखंड की पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा जैसे नेताओं को बीजेपी ने पार्टी ज्वाइन करते ही टिकट थमाया था। महाराष्ट्र के नेता नारायण राणे भी मोदी सरकार के मंत्री हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष की बड़ी जिम्मेदारी भी विपक्ष से आए सुवेंदु अधिकारी को दी। ये सारे नेता कभी कांग्रेस के भरोसेमंद की लिस्ट में शुमार थे। हालात अब ये हो गए हैं कि कांग्रेस सिर्फ तेलंगाना, हिमाचल और कर्नाटक में सरकार चला रही है। अब पार्टी के पास नेताओं को राज्यसभा में भेजने के लिए सीमित ऑप्शन है।
2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ 19.51% वोट मिले थे, जबकि बीजेपी ने 37.43% वोट हासिल किए थे। अभी बीजेपी देश भर में 17 राज्यों में सत्ता संभाल रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए हुए ओपिनियन पोल में भी बीजेपी के सत्ता में तीसरी बार वापसी का इशारा कर रहे हैं, यानी सत्ता की मलाई की हांडी अभी बीजेपी के पास रहने वाली है। दूसरी ओर कांग्रेस के कई नेता अपनी भविष्य की राजनीतिक संभावनाओं की तलाश में हैं। अभी के राजनीतिक हालात में उनके पास दो ही ऑप्शन है, पहला धैर्य रखे और देश का मूड बदलने का इंतजार करे, और दूसरा कि दूसरी पार्टी के साथ राजनीतिक पारी को आगे बढ़ाए। वहीं बीजेपी आम चुनाव में 50% वोट हासिल करने का लक्ष्य लेकर अभियान चला रही है। इस लक्ष्य के लिए जरूरी है कि हर दूसरा वोट बीजेपी के खाते में जाए। इसके लिए जरूरी है कि विरोधियों को भी पार्टी के समर्थक के रूप में तब्दील किया जाए। इसलिए बीजेपी कांग्रेस नेताओं का स्वागत कर रही है और उन्हें पद दे रही है। लेकिन अब ऐसे में सवाल उठता है कि कांग्रेस आखिर क्या करेगी, क्योंकि 2024 नजदीक है और कांग्रेस के पास अभी ऐसी कोई नाव नहीं दिखती जो उसकी नैया पार लगा सके। खैर, अब तो ये आने वाला वक्त ही बता पाएगा कि आगे क्या होगा और कांग्रेस अपने आप को बचाने के लिए क्या करेगी, जिसकी जानकारी आपको श्रेष्ठ भारत जरूर देगा। इसी तरह की लेटेस्ट न्यूज से अपडेटेड रहने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल श्रेष्ठ भारत।